नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत आपके कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के वीडियो, छोटे से वीडियो में हम देख लेते हैं कविता क्या है, कि वो महत्वपूर्ण कथन जो आपकी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। इतना आपने पढ़ लिया तो आपकी परीक्षाओं में इससे बाहर, इस निबंध से कुछ भी नहीं आएगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कविता क्या है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सभी को पता है। चिंतामणि 1919 में ये संकलित किया गया था निबंध। कविता से मनुष्य के स्वभाव की रक्षा होती है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कथन है। आप चाहिए तो इनको लिखते जाइए, बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए अब देखते हैं निबंध के शीर्षक तथा प्रमुख कथन। ये मैंने यहाँ पे शीर्षक दिए हैं, उस शीर्षक के अंतर्गत जो प्रमुख कथन है वो मैं साथ में देती चली गई हूँ। तो चलिए देखते हैं कार्य में प्रवृत्ति। ये मैंने आपको जब वीडियो इसका पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से समझाया था। केवल बुद्धि हमें कार्य करने के लिए उत्तेजित नहीं करती, काम करने के लिए मन ही हमको उत्साहित करता है, ये इसका महत्वपूर्ण कथन है। दूसरा कथन है सृष्टि के नाना रूपों के साथ मनुष्य की भीतरी रागात्मिका प्रकृति का सामंजस्य ही कविता का लक्ष्य है। अगला जो इस शीर्षक का महत्वपूर्ण कथन है, बात कहना राजनीतिज्ञ का काम है और दृश्य दिखाना कवि का कर्तव्य। अगली जो शीर्षक है वो है मनोरंजन और स्वभाव संशोधन। इसकी महत्वपूर्ण कथन है मनोरंजन कविता का मुख्य उद्देश्य नहीं बल्कि कविता की शक्ति है। मुख्य उद्देश्य नहीं है इसका, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ये यहाँ पे एक और स्टार होना चाहिए था। सदाचार में एक अलौकिक सौंदर्य और माधुर्य होता है, ठीक है, ये भी इसी का कथन है। कविता के द्वारा संसार के सुख दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की स्तब्धता हटती है और मनुष्यता आती है, ठीक है। आगे का जो शीर्षक है वो है उच्च आदर्श। चलिए इसके अंदर के महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है, ठीक है। अगला है कविता द्वारा यह लोक देवलोक और मनुष्य देवता हो जाता है, ठीक है, ये भी एक हेडिंग है, इसको देख लीजिएगा। कविता की आवश्यकता, कविता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, मानसिक प्रकृति को जागृत करने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। अगली जो हेडिंग है वो है सृष्टि सौंदर्य। भौतिक सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार का संतोष होता है, उसी प्रकार मानसिक सौंदर्य से भी, ठीक है। अगला है पार्थिव सौंदर्य को दिखलाना कवि का प्रधान कर्म है। उसके अलावा कविता का दुरुपयोग भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामत करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वे सरस्वती का गला घोंटते हैं, ठीक है। कविता का उच्चाशय उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। सत्कवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य का प्रवाह बहाने वाला है, ठीक है। आप जिसने भी पूरी कविता मुझसे पढ़ी होगी, वो वाले वीडियो देखे होंगे, उसको ये समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहाँ पे मैं मात्र उसको संक्षिप्त रूप में लेकर आई हूँ। अगली हेडिंग है कविता की भाषा। पुराने शब्द आधुनिक और पुरातन कविता के बीच संबंध सूत्र का काम देते हैं। अगला शीर्षक था श्रुति सुखदाता। इसका जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य दोनों के सहयोग से कविता की सृष्टि होती है। और जो इसका आखिरी शीर्षक है वो है अलंकार। अलंकार के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें रामचंद्र शुक्ल जी ने कही हैं वो है, भिन्न भिन्न वर्णन प्रणालियों का नाम अलंकार है और अलंकार लक्षणों के बनने से बहुत पहले कविता होती थी, ठीक है।
रसात्मक वाक्यों ही का नाम कविता है और रस ही कविता की आत्मा है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको लिख लीजिएगा। इतना अगर आप अपने नोट्स में कहीं लिख के रख लेंगे तो कविता क्या है, निबंध, आपको एक बार वीडियोस उनको जाकर देख लीजिएगा और ये अपना नोट्स बना के कहीं लिख लीजिएगा। उसके बाद इस निबंध को अन्य कहीं से भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।